स्टेशन के हद में अवैध तरीके से गोवंश ले जाते कंटेनर पर कार्रवाई कर दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक गुप्त जानकारी के आधार पर की है। जानकारी मिली है कि पार्डी पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि भंडारा देवरी से अमरावती के मूर्तिजापुर में एक कंटेनर भरकर गोवंश जा रहा है। इसके आधार पर पार्डी पुलिस ने एक जाल बिछाया और कंटेनर को रोककर छापा मार कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में अकोला निवासी 29 वर्षीय अब्दुल राशिद और अमरावती निवासी इमरान खान को गिरफ्तार किया है। रात के समय पार्डी पुलिस स्टेशन के नाइट ऑफिसर दीपक इंगरे और चेतक मोबाइल के पुलिस अमलदार विशाल भाटिया, संजय चौबे ऐसे पुलिस स्टेशन हद में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब चेतक मोबाइल के पुलिस अमलदार को गुप्त जानकारी मिली कि कंटेनर क्रमांक MH30BD6176 इस कंटेनर में गोवंश की तस्करी हो रही है। उसी जानकारी के ऊपर नाइट ऑफिसर दीपक इंगले और चेतक मोबाइल के पुलिस अमलदार इन्होंने छापा कार्रवाई की, सापड़ा रचाकर छापा कार्रवाई की। हैदराबाद हाईवे बाईपास रोड न्यू शर्मा ढाबे के समोर उन्होंने वो कंटेनर को पकड़ा और उसमें पूछताछ की तो उसी कंटेनर में दो आरोपी थे। उनका नाम है एक अब्दुल राजिक अब्दुल खालिक, उम्र 29 साल, रहना मूर्तिजापुर अकोला, और दूसरे का नाम है इमरान खान अजीज खान, उम्र 43, रहना ठाकली अमरावती। इन दोनों को ताबे में लिया और वो कंटेनर में जो टोटल 31 गोवंश जात के जानवर थे उनको सुखरूप छुड़ाया। के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, गुना दाखिल करके कानूनी कार्रवाई की है। गोवंश तस्करी मामलों में इन दिनों काफी इजाफा हुआ है। जरूरत है कि इन मामलों में और कड़क कानून बने और कार्रवाई भी ठोस की जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।